हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम आपको ये सुंदर सा प्यारा सा और देखिए बहुत ईजी तरीके से आपको लड्डू गोपाल जी के लिए आसन बना के बताएंगे। तो आप देखिएगा, ये हम तीन कलर में इसको बनाएंगे, येलो कलर में, रेड कलर में और ग्रीन कलर में। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले लीजिएगा। तो देखिए दो कलर से भी इसको बना सकते हैं, एक कलर की पत्तियाँ और एक कलर के ये फूल। देखिए तो ये फूल पत्ती वाला हम आपको बना के बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे डोरमेट की जगह भी यूज कर सकते हैं और टेबल मैट की जगह भी यूज कर सकते हैं, पूजा आसन की जगह भी यूज कर सकते हैं और आप इस पर भगवान का आसन भी बना सकते हैं। तो देखिएगा कितना सुंदर प्यारा सा ही हमारा लग रहा है आसन, इस तरीके से। देखिए हमने इसमें बना ली हैं कुछ पत्तियाँ इस तरीके से, और आपको हम स्टार्टिंग से ही बना के बताएंगे जैसे स्टार्टिंग से बनता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और आधी पत्ती ये है, आधी पत्ती ये, 9 पत्तियाँ बन गई हैं। तो हम ये आधी पत्ती येलो वाली बनाते हैं और आधी ग्रीन वाली। तो देखिए हम आपको स्टार्टिंग से ही इसको बना के बताएंगे किस तरीके इसको बनाना है। तो देखिए इसमें फंदे हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे हमारे येलो के हैं और 2 फंदे हमारे रेड कलर से हैं। तो फ्रेंड्स ये 22 फंदे में हमने देखिए बनाया है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू गोपाल जी का आसन कैसा लगा। और आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए हम बना के बताते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो हमारी पहली सिलाई ही है तो पहली सिलाई से ही इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे। तो 2 फंदे हमारे रेड के हैं, तो देखिए पहला फंदा हम उतारते हैं इस तरीके से, दूसरे फंदे को बनाएंगे उल्टा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे जो हमारे 2 फंदे हैं येलो के, इनको रेड से बनाए हैं। यहाँ पे 4 फंदे हो गए। अब देखिएगा बाकी के फंदे हम येलो के येलो से बनाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। तो पहली सिलाई में ही हमारा ये डिज़ाइन देखिए इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा। देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो बिगनर भी इसको आसानी से बना पाएंगे। तो ये बहुत ही इजीली है बनाना इसको। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया है उल्टा उल्टा, 1 2 2 फंदे हमारे यहाँ हमने गर्भ ने छोड़ दिए लास्ट वाले, और यहीं से वापस हो जाएंगे और सिलाई को भी पलट लेंगे। देखिए धागे को भी अपनी तरफ कर लिया है। अब जो जैसा कलर है सीधे तरफ से, इस तरफ से देखिए इधर हमारा सीधा आ गया है। तो सीधे तरफ से जो जैसा कलर है उस कलर को वैसा ही इस तरीके से हम बनाते हुए चले जाएंगे। सीधे तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करना, जो जैसा होगा उसको वैसा ही बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे येल्लो के येल्लो से बनाए, धागा पीछे किया और रेड वाले धागे को इस तरीके से देखिए इस तरीके से फंदा डालते हुए आगे कर लिया। अब रेड वालों को रेड वालों से बनाए लास्ट का फंदा, धागा पीछे किया, इसको सीधा बनाए सीधा। देखिए इस तरीके से चैन बनकर आएगी, पूरे हमारे ये डोरमेट में चैन बनकर आई है इस तरीके से। देखिए अब फिर से उल्टे तरफ पहला फंदा उतारा और ये 4 फंदे देखिए हमारे रेड के रेड से बनाए, 2 फंदे फिर हम येलो के रेड से बनाए, 1 2 इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए अब येलो वालों को येलो से बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे बिगर बुने हम छोड़ देंगे। तो एक बार इस डिज़ाइन को नीचे की साइड लाएंगे बनाते हुए और दूसरी साइड ऊपर की तरफ ले जाएंगे बनाते हुए। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन जाता है। देखिएगा 2 पहले छोड़े थे, 2 फिर छोड़ देते हैं, यहीं से बिगर बुने छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे। वापस में सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा उसको वैसा ही बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 2 2 करके इधर को बनाते हुए ले आए हैं और इधर से देखिए 2 4 6 8 8 फंदे छोड़ दिए, 4 फंदे हैं। तो देखिए फिर से 1 2 2 फंदे येलो के रेड से बना लिए, अब ये 2 फंदे येलो के येलो से बना लिए। यहाँ से
हमने बना लिए। और देखिए यहाँ से ये वापस हो गए इस तरीके से। अब वापस में हम येलो को येलो से बनाएंगे इस तरीके से, और रेड को रेड से इस तरीके से। इसको दो दो फंदे हम येलो को रेड से बनाते हुए चले आएंगे। जब हम पत्ती को नीचे की साइड लाएंगे बनाते हुए, तब बनाते हुए ले जाएंगे तो रेड के हम कम करते चले जाएंगे और दूसरे कलर के हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए अभी ये फिर से उल्टे तरफ है, पहला फंदा उतारा और रेड वाले फंदों को सभी को बना लेते हैं। देखिएगा रेड वाले सभी फंदे हमने बना लिए, और दो फंदे जो हमारे बचे थे येलो के, इनको भी हम एक दो दोनों फंदे हमने बना लिए रेड से। अब देखिए इधर हमारे दो चार छः आठ आठ फंदे बचे हैं येलो के, तो यहाँ से हम धागा उठाएंगे ये ग्रीन वाला इस तरीके से। ग्रीन से हम बना देंगे ये आठ फंदे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमारी येलो की पूरी पत्ती यहाँ पर बन गई है। तो देखिए पहला फंदा उतार लेते हैं। अब जो जैसा कलर है उसको हम यहाँ पे वैसे ही बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, तो यहाँ से रेड वाले धागे को हम ऊपर पास मिलाते हुए टाइट करके इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। तो सभी फंदों को रेड के बना लेते हैं, तो लास्ट वाले फंदे को बनाएंगे सीधा। इस तरीके से तो देखिएगा ये हमने रेड कलर के बना लिए हैं। दो फंदे बचे हैं पर रेड कलर के उल्टे तरफ से, इसको हम रेड कलर वाले को अब ग्रीन कलर से इधर बना लिए। अब जो ग्रीन कलर के इनको ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरीके से। देखिएगा और यहाँ से दो फंदे बिगर बने छोड़ देंगे। तो अब यहीं से वापस हो जाएंगे। वापस में जो जैसा कलर है सीधे तरफ से उसको वैसा ही बनाएंगे इस तरीके से। देखिए रेड वाले को आगे किया और ग्रीन वाले को पीछे, और इसको हम टाइट करके इसको यहाँ से बनाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। लास्ट वाला फंदा धागा पीछे किया, इसको सीधा बना इस तरीके से। यहाँ पे हमारा ये फूल बन जाएगा देखिए इस तरीके से, और ये पत्ती बन जाएगी। अब हम हैं उल्टे तरफ, तो देखिए उल्टे तरफ से पहला फंदा उतारा, हमारे रेड वाले कम होते चले जाएंगे और ग्रीन वाले हमारे ज़्यादा होते चले जाएंगे फंदे। देखिए दो अब रेड के हम ग्रीन के बनाएंगे, एक दो यहाँ से बनाएंगे हम। एक बार हम ये रेड का ऐसे बनाते हुए लाएंगे नीचे की साइड, देखिए एक बार इधर को बनाते हुए लाएं, एक बार ऊपर को। अब हम ऊपर को बनाते हुए जा रहे हैं, ग्रीन के हमारे बढ़ते चले आएंगे और रेड के कम। देखिए अब दो फंदे यहाँ छोड़ दिए बिगड़ बने, और यहीं से हम हो गए वापस। वापस में जो जैसा कलर है उसको वैसा ही बना लेते हैं सीधी तरफ से। फिर से बता देते हैं, अब दो फंदे हैं रेड के, इनको हम इस तरीके से ग्रीन के बनाए। इसी तरीके से हम देखिए यहाँ पे सभी फंदों को बना लेंगे। यहाँ पे एक दो दो फंदे हमारे बचेंगे रेड के, बाकी हमारे सभी फंदे दो दो करके ग्रीन के हो जाएंगे इधर। और इधर से हम देखिएगा यहाँ पे हम दो दो करके बिगर बुने ये छोड़ते हुए चले जाएंगे, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। और सीधी तरफ से जो जैसा कलर होगा उसको हम वैसा ही बना लेंगे। तो देखिए सीधे तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करना है,
सीधे तरफ से जो जैसा कलर है उसको वैसा ही हमें बना लेना है। इस तरीके से धागा पीछे किया और रेड वाले धागे को आगे किया, इस तरीके से आगे करते हुए बनाना उल्टा उल्टा ही है दोनों साइड से, इस तरीके से लास्ट वाला सीधा बना, इस तरीके से सभी फंदों को बना लेते हैं। सिर्फ दो फंदे रहने देने हैं रेड के, तो बना लेते हैं और इधर दो दो करके छोड़ देंगे। तो सभी फंदों को हम देखिए इस तरीके से हमारी ये पत्ती ऊपर की साइड बनती हुई जा रही है, तो यहाँ तक हमारी बन जाएगी तो आपको फिर देखिए। तो देखिएगा हमारे सभी फंदे बन गए हैं और यहाँ पे हमने दो दो करके छोड़ दिए हैं तक। अब हम बनाते हैं इसको, देखिए एक फंदा उतारा, दूसरे फंदे को बनाया, देखिए दो फंदे यहाँ पर बन गए हैं। अब जो हमारे दो फंदे बचे हैं, चार फंदे थे रेड के, दो फंदे हमारे शुरू से लास्ट तक रहेंगे। देखिए दो फंदों को हमें कुछ नहीं करना, तो दो फंदों की हमने बाउंड्री बनाई है इस तरीके से। अब दो फंदों को इसको ग्रीन से बना लेते हैं। दो फंदे यहाँ पर ग्रीन क्यों बना दिए, दो रह गए, दो हमारे पूरे डिजाइन में दो फंदे रहेंगे ही इस तरीके से। अब देखिए सभी फंदों को हम ग्रीन से इस तरीके से बना लेते हैं। जो हमारी आधी पत्ती हो जाएगी, तो देखिए हम सभी फंदों को एक साथ, देखिए जो छोड़े हैं हमने दो दो करके, जैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा गैप नज़र आए तो इस तरीके से यहाँ से फंदा उठाइए और दो फंदों को एक साथ इस तरीके से बना के बना दीजिए। दो फंदों को, ये सभी फंदों को अब हम बना देते हैं। आधी पत्ती होने के बाद में जब हमारे ऊपर को ले जाएंगे बनाते हुए इसको, हम देखिए अब यहाँ से हम ऊपर को लेके बनाते हुए, तो दो फंदे हमारे रह गए थे, तो सभी फंदों को हमने बना दिया। आधी पत्ती हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब देखिएगा आधी पत्ती हमारी इधर बन रखी है यहाँ पे ग्रीन की, तो ये हमारा यहाँ पे डोरमेट बन के इस तरीके से देखिए ये कम्प्लीट हो चुका है इस तरीके से। इसको हम देखिए पूरी पत्ती ये हमारी इधर यहाँ पर बन गई है, तो इसलिए हम देखिए यहाँ से बंद करते हुए चले आएंगे। वैसे आप सिंगल बना दो, आप यहाँ पर देखिए आधी पत्ती हमारी बन गई है, आधी पत्ती हमें बनानी है दूसरी साइड, तो हमने आपको बताया था यहाँ से सेम तरीके से ये बनानी है। तो इधर से इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए ले जाएंगे, फिर जब इधर आएंगे हम सीधी तरफ, तो यहाँ से हम इसको नीचे की साइड बनाते हुए लाएंगे। फिर हम देखिए जैसे हमारे ग्रीन के यहाँ पर दो रेड के बनाएंगे, फिर दो रेड के बनाएंगे, दो रेड के बनाएंगे, हर सिलाई पर यहाँ पर हमारे आठ फंदे रह जाएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से जैसे हमने येलो की बनाई थी, तो इस तरीके से हमारा ये डोरमेट बन के कम्प्लीट हो जाएगा। इसको अब हम यहाँ पे बंद करते हुए चले जाएंगे दो का एक करते हुए इस तरीके से। देखिए तो सभी फंदों को हम इस तरीके से देखिएगा बंद कर लेते हैं और हमारी यहाँ पे उल्टी सिलाई भी ये बन के कम्प्लीट हो जाएगी। कर लेते हैं बंद, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए धागे काट के हमने उसी में डाल लिया है, तो हमारी यहाँ पर ग्रीन कलर की पत्तियाँ आ रखी है देखिए इस तरीके से, तो हमें ग्रीन कलर से इसकी सिलाई करनी है। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से देखिए इसको हम सिल देते हैं उल्टी तरफ से, इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड से देखिएगा इस तरीके से हम इसको सिलते हुए चले जाएंगे। इसको इस तरीके से
सिल दिया हमने। अगर आप इसमें देखिए ऐसे चुन्नट डाल के इसको छोटा करना चाहो तो यहाँ से इसको इस तरीके से, और छोटा हो जाएगा ये इस तरीके से, देखिए इसको देखिएगा इस तरीके से बंद भी हो जाएगा ये इस तरीके से, देखिए बंद हो गए। यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे नॉट इस तरीके से, जो हमारे फालतू धागे हैं अभी हम कर देंगे कट। ये इस तरीके से हमारा ये डोरमेट आ जाए, इस तरीके से आएगा। देखिएगा अगर आप इसको खुला रखना चाहते हैं तो देखिएगा ये हमने छोटा सा पोम पोम बना के यहाँ पे लगा दिया है, तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिएगा इस तरीके से। और आप इसको चपटा बनाना चाहें इस तरीके से, देखिए फ्लावर टाइप में इस तरीके से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गया है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।